स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड पर डिस्कस करेंगे जिसमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। सपोज करें किसी नंबर लाइन में आपको किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना हो, या किसी नंबर के करिस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट बताना हो। ये नंबर लाइन है, सपोज इस पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप एक नंबर बता देंगे। वन होल नंबर वन अपॉन टू मीन्स थ्री अपॉन टू आर 1.5। तो किसी नंबर लाइन में किसी पॉइंट को या किसी स्पॉट को, किसी फिक्स पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको केवल एक नंबर की जरूरत होती है। अब हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे आगे बढ़कर सपोज करें एक मैं स्ट्रीट प्लान कंसीडर कर रहा हूं। सपोज ये एक मेन रोड है, कई स्ट्रीट्स इससे लिंक हैं, स्ट्रीट वन, स्ट्रीट टू, स्ट्रीट थ्री, स्ट्रीट फोर। हर स्ट्रीट में कुछ हाउसेस हैं, एच वन, एच टू, एच थ्री, एच वन, एच टू, एच थ्री एटसेट्रा, एच वन, एच टू, एच थ्री, एच वन, एच टू, एच थ्री। अब आपको अगर किसी हाउस का आइडेंटिफिकेशन करना हो, एड्रेस बताना हो, तो आपको कितने नंबर की आवश्यकता हो। एक तो आप स्ट्रीट बताएंगे, एक नंबर हो जाएगा, स्ट्रीट वन, स्ट्रीट टू, स्ट्रीट थ्री, स्ट्रीट फोर, और फिर आप इसके बाद हाउस नंबर बताना होगा। दो नंबर्स की आपको जरूरत होगी एक किसी फिक्स पॉइंट पर पहुंचने के लिए। फिक्स सपोज आपको यहाँ पहुंचना है, इस हाउस को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले तो आप स्ट्रीट नंबर बताएंगे एच थ्री, फिर हाउस नंबर एच थ्री, या इसको करना है तो स्ट्रीट नंबर एच थ्री और हाउस नंबर एच टू। तो इस स्ट्रीट प्लान में किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको दो नंबर्स की जरूरत होगी। जैसा कि यहाँ केवल एक नंबर से एक पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाता था, लोकेट हो जाता था। तो ये बिगिनिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इससे हटके चलिए हम टेबल लैंप पर कंसिडर करते हैं टू डिस्क्राइब। The position of कोई टेबल लैम्प या स्पॉट a dot on टेबल लैम्प या पेपर on a paper। सपोज करें ये पेपर है, यहां पर कहीं डॉट है, आप इसको आइडेंटिफाई करना है, इसका एड्रेस बताना है। तो क्या करेंगे, आप पहले इसके कॉर्नर को एक स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करें, सपोज दिस कॉर्नर, फिर आपको लेंथ के लॉन्ग कितनी डिस्टेंस चलनी होगी ये मेंशन कर दें। सपोज फोर, अगर ये फोर है
और फिर ब्रेथ के लॉन्ग कितनी चलनी होगी वो मेंशन कर दें, सपोज टू। तो आपको दो नंबर चाहिए इस पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, फोर और टू। तो जब हम प्लेन की बात करते हैं उसमें एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो नंबर चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। टेबल लैम्प में आपने लैम्प कहां पर रखा हुआ है, किसी अपने दोस्त को सपोज बताना चाह रहे हैं, वहां पर स्टडी टेबल आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि उस पॉइंट पर अगर आप उसको टेबल लैम्प के पास ले जाएं, टेबल लैम्प हटा दें तो वो उस पॉइंट पर रख दे फिर से, यानी उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर ले। तो इसके लिए देखते हैं, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन स्टडी टेबल हमें पहले इन चार में से किसी एक कॉर्नर को स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट नाम देना होगा। वे विल डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स कॉर्नर एज स्टार्टिंग पॉइंट। आगे आप उसको ओरिजिन बोलेंगे। सपोज दिस, एक कॉर्नर को हम मेंशन करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, देन द डिस्टेंसेस वॉकड अलोंग लेंथ एंड ब्रेथ then to mention we will mention the distances walked along length एंड ब्रेथ। सपोज यहां आपने अगर ये लेंथ के लॉन्ग 4 यूनिट की डिस्टेंस और 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप चले हैं और ब्रेथ के लॉन्ग 2 सेंटीमीटर की, तो हम 4 और 2 दो नंबर्स उसको बताएंगे कि लेंथ के लॉन्ग 4 यूनिट की डिस्टेंस और ब्रेथ के लॉन्ग 2 यूनिट की डिस्टेंस चलने पर आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर स्टडी टेबल पर जहां पर लैंप रखा हुआ है और स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए। आगे आप इसको देखेंगे कि इसको हम 4-2 लिखते हैं। इस तरह से स्टडी टेबल पर हम टेबल लैंप की पोजीशन को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए, उसमें एक स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है। उस स्ट्रीट प्लान पर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 रोड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 5 रोड्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं और सभी रोड्स 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो आपको 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेकर इसको मॉडल बनाना है। स्केल आप ले लेंगे, वन सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। आप ग्राफ पेपर यूज करें,
साथ में ये भी ध्यान रखें कि मैप में जो डायरेक्शन होती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपको ग्राफ पर 1-1 सेंटीमीटर पर लाइंस ड्रा करनी है। सपोज मैं भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ड्रा कर लेता हूँ, फाइव लाइंस इस तरह से। ये फाइव लाइंस हो गई। सपोज ये स्ट्रीट वन हुई, ये स्ट्रीट टू हुई, ये स्ट्रीट थ्री, स्ट्रीट फोर एंड स्ट्रीट फाइव। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसी तरह से ड्रा कर लें 1-1 सेंटीमीटर में ही। ये फाइव स्ट्रीट्स हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। सपोज यस वन यस टू यस थ्री यस फोर यस फाइव, ये मॉडल हो गया ग्राफ पेपर पर। अब आगे इसमें आपको क्या करना है, उसने कह दिया है कि अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम सेकंड रोड लेते हैं, सेकंड स्ट्रीट लेते हैं, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट लेते हैं, इनकी जो क्रॉस स्ट्रीट बनेगी नॉर्थ साउथ की सेकंड और ईस्ट, ये सेकंड हो गई नॉर्थ साउथ की, ईस्ट वेस्ट की फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये क्रॉस स्ट्रीट हो गई। इसको उसने कहा है 2, 5 से रिफर किया है उसने, यानी 2, 5 इस पॉइंट का इंट्रोडक्शन हो गया। तो इस पैटर्न पर आपको बताना है कि 4, 3 जो पॉइंट 4, 3 से रेफर किया जाएगा वो कौन सा पॉइंट होगा। फर्स्ट द क्रॉस स्ट्रीट मेड बाय 4, 3 को आपको देखना है। फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज रेफर्ड टू एस 4, 3। सिमिलरली उसने पूछा है 3, 4 कौन सी स्ट्रीट होगी, कौन सी क्रॉस स्ट्रीट होगी। द क्रॉस स्ट्रीट मेड बाय थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट
running in east-west direction is referred to as 3-4. तो ये एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कार्टेशियन सिस्टम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे।